हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आया है जो 3055 है। हम इसे आपको रिपेयर करके दिखाने वाले हैं इसमें क्या समस्या है। तो हमने लगा दिया है स्पीकर और हम आपको अब चेक कराते हैं इसमें क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान किस तरह से होने वाला है। हमने पूरी आवाज़ कर दी लेकिन हल्की हल्की इसमें आवाज़ आ रही है। जैसे इस बटन को थोड़ा दबाते हैं इसमें आवाज़ कम ज़्यादा होती है, तो ये हमारा बटन ख़राब है। दोस्तों, इस बटन को कैसे हम सही करने वाले हैं और नहीं मिले तो इसे किसे रिपेयर करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। अगर रिपेयर भी नहीं होता है तो डायरेक्ट किस तरह से करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ तार लगाना है जहाँ मैं बताता हूँ, और ये डिस्प्ले है इसकी, इसमें पुराना वाला है ये, हम इसमें ब्लूटूथ वाला भी नया पैनल लगाने वाले हैं या कार्ड लगाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों, मैं इतने वीडियो लेके आता हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, तो ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये हमने तार लगा दिया, एक यहाँ पे, एक यानी इस जगह लगाना है, दूसरा वाला इस जगह लगा दिया है हमने, ये सोल्डरिंग कर दी है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है सोल्डरिंग करना। यहाँ इस तरीके से लगाना है। जो मेरे शॉप पे काम आता है वही आपके सामने मैं फेस कर देता हूँ। जो प्रॉब्लम अधिकतर जो दिक्कतें आती हैं वो ऐसी प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा आती है। अगर आप पुराने टेक्नीशियन हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर नए टेक्नीशियन है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो यहाँ आप बोन फिक्स लगा देना ताकि ये वापस हटे नहीं, वो चिपका रहे अच्छी तरीके से। ये हमारा काम कम्प्लीट हो गया, हमें अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप सुन सकते हो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, हमने लगा दिया है यहाँ पे। और ये देखिए बोन पिक लगा दी है और ये स्पीकर है और ये कंप्लीट चालू है। अब इसकी जगह हम यूएसबी कार्ड लगाते थे तो हमने लिया है एक यूएसबी कार्ड इस तरीके का। लगाना बिल्कुल आसान है, जैसे पुराने वाले सॉकेट लगे हुए थे उसी तरीके से लगा लेना है। तो दोस्तों, इसे हटाते हैं और इसमें ये लगाते हैं, ये सॉकेट लगे हुए सेम इसी तरीके से इसमें लगने वाले हैं। और ये देख सकते हो आप, सेम इसी तरीके का है, इसमें थोड़ा सिस्टम थोड़ा नया आ गया है, वो पुराना वाला है, तकरीबन ये 7-8 साल पुराना है, 8 साल से ज़्यादा है यार। और ये सबसे पहले ये लगाने हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि 5 वोल्ट सप्लाई है ये, और ये की के लिए है और लेफ्ट राइट सब के लिए ही है। और ये लगाना है आपको यूएसबी पेन ड्राइव सॉकेट के लिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा काम कम्प्लीट। बाकी के जो वायर बचे हैं इनको हमारे वो काम में नहीं लेना है, इस तरीके से इसे फिटिंग कर लेना है। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ दोस्तों, और आपको बेहतर जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूँ। तो इस तरीके से लगाना है, अब स्क्रू इसके कस लेने हैं और ये जो वायर है इन वायरों को काट लेना है। तो हम ये वायर भी काटने वाले हैं कटर की मदद से, इस तरीके से काट लेना है। हमारे किसी काम के नहीं ये वायर, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें ब्लूटूथ का हो गया, वो ऑक्स के थे, हमारे काम के नहीं। तो दोस्तों, ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर देते हैं इसकी फिटिंग और हम आपको एक बार दिखा देते हैं इस पर डिस्प्ले आई या नहीं आई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ब्लू कलर का है, नया है इसलिए ब्लू कलर का आया है, इसमें रेड कलर का भी इसमें डिस्प्ले आता है। अलग अलग कंपनी के कार्ड अलग अलग डिस्प्ले देते हैं। तो ये ब्लूटूथ पे हमने कर दिया है, कंप्लीट चालू है। अब कर देते हैं इसका फिटिंग, इसका कवर है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको 1% भी सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।